दोस्तों सब्सक्राइब करें और पाएं राजीव दीक्षित जी की वीडियो। पता नहीं उसको कहां से मिल गया, वो कहता है भारत के लोग ऐसा कहते हैं कि स्त्री के बिना मोक्ष नहीं होता। और ये एक दिन मुझे भी अनुभव हुआ है। मैं दक्षिण भारत में गया था एक गांव में व्याख्यान देने। वो गांव में एक मंदिर है, बड़ा मशहूर मंदिर है। मैंने सोचा मैं भी दर्शन करूं, तो पुजारी ने कहा आप अंदर नहीं जा सकते। मैं पूछा क्यों? कि आप ब्रह्मचारी हैं। मैं पूछा तो क्या हुआ, ब्रह्मचारी हूं, अंदर नहीं जा सकता? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? कि आप पवित्र नहीं है। मैं पूछा वो कैसे? उन्होंने कहा पवित्रता तो स्त्री के आने के बाद ही आती है। हाँ, और वो ब्रह्मचारी ने इतनी गंभीरता से कहा कि मैं देखने लगा उसका चेहरा, ये बोल क्या रहा है। तो उसने कहा कि स्त्री के जीवन में आने के बाद ही पुरुष पवित्र होता है, उसके पहले तो वो लंपट होता है। तो मंदिर में मुझे घुसने नहीं दिया उसने। और वो कहता आप तो क्या, हजारों साल से यहां कोई भी व्यक्ति बिना पत्नी के मंदिर में गया नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर कभी हो तो सोचूंगा। तो मैं वापस चला आया। ये बात को मैकॉले बोल रहा है वहां कि भारतवासी बोलते हैं कि मोक्ष स्त्री के साथ ही होता है। और हमारे सभी ऋषि मुनि गृहस्थ थे, सदगृहस्थ थे, ब्रह्मचारी नहीं थे। मैंने जितने ऋषि मुनियों को आज तक पढ़ा है, सबको तो नहीं पढ़ा लेकिन जितने को पढ़ा है, सब गृहस्थ थे। इसलिए गृहस्थ आश्रम कोई ऊंची चीज है हमारे यहाँ। तो ये वो बोलता है कि जब ऊंची चीज आपके पास है तो उससे और ऊंची प्राप्त करने की ताकत है, जो ऊंची नहीं है तो ज्यादा ऊंची तो मिलेगी नहीं। तो भारत में तो स्त्री का ये हैसियत है कि वो अगर नहीं है तो परिवार नहीं है, समाज नहीं है, संस्कार नहीं है, भाषा नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसलिए भारत में स्त्रियां तो बहुत ऊंची है।